अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आइए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस बच्चे के हाथ पर पराटन क्यों बांधा गया? क्या ये घर पर बांधा गया? नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरी तस्वीर। इस लड़की को दवा खाने में क्यों लाया गया? इसको या तो खांसी बुखार या जुकाम हुआ होगा, या फिर बहुत बड़ी चोट लगी होगी। हो सकता है बड़ी चोट लगी इसलिए इसे दवा खाने में लाया गया। तो प्यारे बच्चों, आज जो है आज हम जमात हारून की किताब माहौल का मुतालिया हिस्सा एक सबक नंबर 12 घरेलू मामूली अमराज घरेलू इलाज, इस सबक के बारे में जो है मालूमात हासिल करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हिस्सा बीमारी। बीमारी क्या होती है? प्यारे बच्चों, अगर हमारा जिस्म सेहतमंद रहे, हम तंदुरुस्त रहे, तो हमें वक्तों पर भूख लगती है, वक्तों पर नींद लगती है, हम रात भर आसानी से सो सकते हैं, और फिर हम सुबह सवेरे जब उठते हैं तो तरोताजगी महसूस करते हैं, और छोटे छोटे कामों में जो है हमको थकान बिल्कुल नहीं होती। लेकिन चंद वजूहत की बिना पर जो है हम बीमार पड़ सकते हैं। एक दफ़ा क्या हुआ कि अफशा के गले में दर्द हो रहा था। अफशा ने ऐसे वक्तों में आइसक्रीम खाई, अब उसको निवाले निगलने में तकलीफ होने लगी। अफशा की अम्मी ने स्कूल में जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद अफशा को 2-3 दिन तक के जो है गर्म पानी के गरारे कराए, और अफशा जो है जल्दी हुई, क्योंकि ये बीमारी जल्द अच्छी होने वाली थी, इसलिए इसका घरेलू इलाज करके जो है वो अच्छी हो गई। अब प्यारे बच्चों, 15 दिन के बाद भी जो है अफशा की बहन को तेज़ बुखार आने लगा। अफशा की बहन की आँखें पीली हो गई, जिसम बारीक हो गया, पीला हो गया, उसे भूख नहीं लगी। उसे दवा खाने में लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि अक्षय की बहन को यरकान हो गया। यरकान एक बीमारी का नाम है प्यारे बच्चों, जिसमें आंखें पीली हो जाती है और जिसम बारीक हो जाता है। डॉक्टर ने कहा कि अक्षय को 2-3 हफ्ते जो है मुकम्मल आराम करना होगा। अब उसे मशवरा दिया कि खाने में तेल, घी और मक्खन वाली अशिया कम से कम खाए। अक्षय 2-3 हफ्ते में अच्छी होगी, तंदुरुस्त होगी, तो ये बड़ी बात थी, इसलिए दवा खाने में लेकर गए। अब फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, के शरफू और उसकी बहन शन्नू खेत में काम कर रहे थे। ऐन उसी वक्त वहाँ पर एक सांप आया, और उस सांप ने उसको शरफू को डस लिया और गायब हो गया। शरफू ने और शन्नू ने उसको सही तरीके से देखा भी नहीं था, और ज़ोर ज़ोर से जो है शन्नू चिल्लाने लगी। वहाँ पर आसपास मौजूद लोग दौड़ते हुए आए, और शन्नू ने उनसे कहा कि शरफू को पास ही सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, जहाँ पर सांप के जहर काटने का इंजेक्शन जो है मिलता है, उसे लगवाना चाहिए। लेकिन लोगों ने उसकी नहीं सुनी और उसे बैलगाड़ी पर लिटा दिए, और बैलगाड़ी पे लिटाते हुए गांव के करीब में एक झाड़ फूँक करने वाले बाबा थे, उसके पास ले गए। उस बाबा ने शरफू को जो है ज़मीन पर लेटा दिया, नीम के पत्ते डाल दिए उसके ऊपर, उसको लेटा दिया और उसके ऊपर जो है झाड़ फूँक करने लगा, मंत्र करने लगा। तो क्या प्यारे बच्चों, आप बताइए, क्या मंत्र या झाड़ फूँक करने से वो जहर जाहिर हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, आप अगर होते तो उस वक्त तो क्या करते? शरफू को सरकारी हॉस्पिटल ले जाते, या फिर वहाँ झाड़ फूँक करने वाले गांव के करीब बाबा के पास ले जाते? नहीं, आप जो है उस बाबा के पास ना ले जाते हुए सरकारी दवाखाने में ले जाते और उसे इंजेक्शन दिलवाते। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो देखे मुनासिब और गैर मुनासिब है ना, इसमें प्यारे बच्चों ना मुनासिब किया था कि शरफू को जो सांप ने काटा वो गैर जहरीला था, और वाबा किसकी होने लगी? उस झाड़ू करने वाले बाबा की। तो प्यारे बच्चों, आज इस सबक में, इस पैराग्राफ में हमने देखे कि बीमारी घरेलू इलाज किस तरह की जाए, छोटी बीमारी का और बड़ी बीमारी को हम दवा खाने में जाकर उसका इलाज आसानी से कर सकते हैं। इसी के बाद जो है प्यारे बच्चों, मुनासिब क्या है और नामुनासिब क्या है, इसके बारे में हमने बहुत सारी मालूम हासिल की। तो आपने जो मालूम मुझसे सुनी, इसी की इसे अपने बयान में लिखिए और अपने क्लास टीचर को बताइए। खुदा हाफिज़।